आफ्टर BCA आपको कितना पैकेज मिलता है, मतलब कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको कितना पैकेज मिलता है, ये सब हम बात करेंगे ये व्लॉग में। तो 20 लाख 25 लाख वो फ्री, मतलब फर्स्ट ज्वाइनिंग में ही आपको देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम रितिका एंड डूइंग रितिका व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मतलब ये देखो, ये मैंने ब्लैक स्क्रीन न्यू लगाया है और मतलब घर पे ही छोटा सा एक स्टार्टअप किया है। तो बैक टू आवर टॉपिक, तो बेसिकली आप लोगों का बहुत सारा DM आ रहा था कि मैम प्लीज़ आपने BSc किया है और जो इंटरव्यू अभी दे रहे हैं, पंकज सर एकेडमी से हो या फिर नॉर्मली भी जो JSpider से हो, किस पर से हो, कोई भी बंदा, क्या मैंने एक वीडियो बनाया था क्या आपको BSc करना चाहिए या फिर BCA करना चाहिए या BTech करना चाहिए, वो वीडियो आप जाके चेक करो। और BCA आफ्टर BCA आपको कितना पैकेज मिलता है, मतलब कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको कितना पैकेज मिलता है, ये सब हम बात करेंगे ये व्लॉग में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और जिसने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि फ्यूचर में जो भी वीडियो लाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलो गाइस बात करते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं पॉइंट आउट करती हूँ वीडियो बनाने से पहले आप लोगों के लिए, तो यहाँ भी मैंने पॉइंट आउट करके रखा है कि क्या क्या टिप्स है जो आपको इम्प्रूव होगी आपकी सैलरी नेगोशिएशन में, और कैसे कितना सैलरी मतलब आप मान के चल सको कि हाँ इतना मिलता है। तो चलो बात करते हैं। तो जैसे कि आपने BSc किया, मैंने BSc किया था और मेरा BSc कंप्यूटर साइंस था। तो अगर आप BSc इन कंप्यूटर साइंस करते हो, ऑनर्स आपको कंप्यूटर साइंस है, तो आपको ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती है या फिर BCA करने से जॉब नहीं मिलती है, जॉब मिल जाएगी आपको, BA करो फिर भी जॉब मिल जाएगी। लेकिन हाँ, जैसे कि BTech वालों को थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब थोड़ा ज़्यादा उनको ये मिलता है, लाइक अगर BSc में आपका 4.5 है तो उन लोगों को 5 दिया जाएगा, 5 LPA, ठीक है, वैसे ही समझ लो। क्योंकि वहाँ पे देखो BSc BCA ये सब मतलब 3 ईयर है, ठीक है, लेकिन BTech 4 ईयर है, ये इसीलिए थोड़ा उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। क्योंकि हम लोगों का 3 ईयर था, BCA 3 ईयर था, सॉरी BSc 3 ईयर था और BTech वालों को 4 ईयर रहता है। तो कोई कोई कंपनी, मैं सब कंपनी नहीं बोलूँगी, लेकिन कोई कोई कंपनी जैसे कि मेरे टाइम पे न्यूजन, वो न्यूजन BCA BSc ये सबको नहीं लेता है, ज़्यादातर वो BTech वालों को ही लेता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा BTech वालों को प्रेफर करता है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, BSc के बाद भी जॉब मिलती है, BCA के बाद भी जॉब मिलती है और BA के बाद, अगर आप नॉन IT स्टूडेंट हो फिर भी आपको जॉब मिलती है IT में, मैं IT की बात कर रही हूँ। और तो हम बात करते हैं कि आपका सैलरी कितना, मतलब कितना होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप फ्रेशर हो तो आप स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका कॉलेज में प्लेसमेंट आ रहा है तो बहुत अच्छा, आप कॉलेज से ही ट्राई करो, हाँ वो आपको मतलब एटलीस्ट मिनिमम वो आपको 3.5 ऑफर करेंगे या फिर 3 ऑफर करेंगे, उससे नीचे ऑफर नहीं करते हैं, ज़्यादा 3 या फिर 3.5 ऑफर करते हैं। अगर आपको कॉलेज प्लेसमेंट हो रहा है तो कॉलेज प्लेसमेंट आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे कि बड़ी बड़ी मतलब जो आप कॉलेज में ग्रेजुएशन करते हो तो वहाँ पे क्या कैंपस आता है, लेकिन जैसे कि मेरी बात मैं करूँ तो मैं एक मतलब नॉर्मल कॉलेज में मैं पढ़ती थी, तो वहाँ पे मतलब प्लेसमेंट नहीं आता था। तो मेरे टाइम पे इसीलिए मैंने फिर फ्रेशर वर्ल्ड, नौकरी, ये सब में मेरा पोर्टल, ये सब पोर्टल में मैंने अपना रिज्यूमे मेंशन किया था। तो मैं ऑफलाइन ये करके, ऑफलाइन अप्लाई करके मैंने जॉब लिया, ठीक है। और अगर आपका कॉलेज प्लेसमेंट हो रहा है तो आप कॉलेज प्लेसमेंट से ही जाओ, मैं प्रेफर करती हूँ कॉलेज प्लेसमेंट। और हाँ, और एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैम क्या हमको ग्रेजुएशन के बाद MSc या फिर MCA कर लेना चाहिए तो हमको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, तो ऐसा नहीं है। हाँ देखो, ऑब्वियसली आप ज़्यादा मतलब नॉलेज होगा तो थोड़ा ज़्यादा बहुत तो है, लेकिन उतना तक ही मिल जाता है। लाइक देखो, अगर आप MSc या फिर MCA वगैरह NIT IIT से करते हो तो उनका पैकेज तो बहुत हाई है, मतलब 20 लाख 25 लाख वो फ्री, मतलब फर्स्ट ज्वाइनिंग में ही आपको देते हैं अगर आप NIT IIT से करते हो, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल कॉलेज से करते हो वही 7-6 ऐसे ही रहता है, फ्रेशर का सैलरी वैसे ही रहता है,
अगर आप मतलब एमसीए करते हो नॉर्मल कॉलेज से, तो वही 7 या फिर 6 या फिर हाईएस्ट है 10 तक जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है. मैंने जितना देखा है फ्रेशर का सैलरी. और हाँ, मैं बात करूंगी, और भी बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने प्लस थ्री मतलब लाइक ग्रेजुएशन किया, फिर हम क्या इंटर्नशिप कर लेंगे, तो इंटर्नशिप का कितना मिलता है? देखो, इंटर्नशिप में वो आपको ज्यादा पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि वो आपको काम सिखाएंगे. आप वहाँ पे मतलब देखो, जॉब जो करते हैं ना, वो इंटरव्यू लेते हैं, और वहाँ पे आपको सब पता होगा, वहाँ पे जाके आप सिर्फ काम करोगे. 1-2 महीना आपको वो ट्रेनिंग देंगे, फिर वो आपको काम करवाते हैं. लेकिन इंटर्नशिप में तो वो आपको काम सिखाते हैं ना, तो इसीलिए मान के चलो 1.5 लाख या फिर 2 लाख, उससे ज्यादा इंटर्नशिप में नहीं देते हैं. क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इंटर्नशिप कर रहे थे, उनको भी हाईएस्ट 2 लाख 2 LPA पैकेज था उनका ईयरली. मैं बात कर रही हूँ, ठीक है. और अगर आप जॉब करते हो एज ए फ्रेशर, तो वही 3.5 से 5 तक, हाईएस्ट 5 तक जाता है फ्रेशर का सैलरी, ठीक है. और हाँ, तो और एक बंदा मेरे को बोला था, तो कि मैम क्या आप, हाँ मैम, बसंत का कैसे इतना ज्यादा ऑफर लेटर गया ओवर द फ्रेशर? यस, बसंत फ्रेशर है, लेकिन देखो बसंत का 13 LPA जो ऑफर लेटर गया था, या फिर सॉरी मतलब वो जो इतना कंपनी में प्लेस हुआ, ऐसे नहीं गया था वो ना प्लेस, मतलब उसने इंटरव्यू देते गया, वो बहुत ज्यादा इंटरव्यू दिया था, लाइक 20-50 अराउंड उसने इंटरव्यू दिया था, 40 समथिंग होगा, ठीक है. उसमें उसका 35+ कंपनी में हो गया था, ऐसे ही नहीं गया वो तो. उसने तो मेरे को आई थिंक मालूम है 4 LPA से स्टार्ट किया था, वो 13 LPA तक गया था, ऐसे ही मतलब बहुत बंदा ने बहुत मेहनत किया था. लाइक वो इतना कम से 4 से 13 बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है. तो 4 से वो 13 गया, वैसे ही नहीं गया था. क्योंकि मेरे को बंदे बोल रहे हैं कि मैम आप बोल रहे थे फ्रेशर सैलरी हाईएस्ट 5 तक जाता है, लेकिन बसंत का कैसे 13 तक गया? तो बसंत ने बहुत ज्यादा नेगोशिएट किया, और उसके पास उतना नॉलेज है. देखो, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो कंपनी आपको बहुत ही ऑफर करेगा. वैसा नहीं है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा ही पैसा है, और उनका बजट बहुत हाई रहता है, ठीक है. अगर आपके पास नॉलेज होगा तो फिर आपको वो हाई बजट पे लेंगे, ठीक है. और बहुत ज़्यादा बच्चे डीमोटिवेट हो रहे कि मैम हमको हमारा नहीं हो रहा है, हम नहीं कर सकते, आईटी में नहीं होगा हमारा. तो ऐसा नहीं है, आप ना इंटरव्यू देते जाओ. तो आप एक, अगर आपका रिजेक्शन हो रहा है ना, तो आप एक मतलब कुछ भी रिजेक्शन के बाद ना सीखते हो कि हाँ मेरा इस पॉइंट पे मैं कट गया, तो मेरा यहाँ पे गलती होगा, ठीक है. तो रिजेक्शन के बाद जब लास्ट में आपका हो जाएगा ना, तब लास्ट में देखना, आप जितने भी रिजेक्शन किए होंगे ना, आपको जितना भी कंपनी ने में आपको रिजेक्ट किया होगा ना, तो आपको मालूम होगा किस कंपनी ने आपको क्यों रिजेक्ट किया. कुछ तो वजह होगा ना, आपने उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो वो पॉइंट को आप क्लियर करते जाओ, उस ये को आप क्लियर कर दो, तो आपका इंटरव्यू ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है. तो ऐसे जब तक नहीं हो रहा है, अपने तरफ से आप 100% दो, तो ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है. तो हाँ, और PSC के स्टूडेंट कुछ कॉमन था, मैंने देखा था कि बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर बसंत झूठ बोल रहा है. अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, बसंत झूठ बोल रहा है, इतना सारा मैंने इंटरव्यू लिया, वो लोग तो झूठ नहीं बोल रहे हैं ना, तो वो वीडियो जाके चेक करो गाइस. और क्यों मैं झूठ बोलूंगी, मेरा कोई कुछ नहीं जा रहा है ना, मैं क्यों झूठ बोलूंगी उनके ये में. तो छोड़ो वो सब, फ्रेशर का सैलरी मैंने बता दिया, कैसे आप नेगोशिएट, बसंत ने कैसे नेगोशिएट किया, वो किया मैंने सब बता दिया. आई होप ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी. और फ्रेशर का सैलरी हायर साइड, अगर आप मतलब ऑफलाइन ये करते हो, अगर कॉलेज प्लेसमेंट से में भी हायर, अगर बहुत बड़ा कॉलेज रहा जैसे NIT बेटा IIT में, तो आपको 25-30 LPA तक भी जाता है. लेकिन अगर आप नॉर्मली कॉलेज से ग्रेजुएट हो या फिर MCA वगैरह किए हो, तो वही 8 या फिर 10 तक आपका पैकेज जाता है. तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जल्दी से जल्दी कर देना, और जितने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, फ्यूचर में जहाँ भी जो भी वीडियो लाऊं आपके पास पहुंच जाएगा. तो चलो अगले व्लॉग में मिलते हैं.